बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा के विधायक वर्तमान प्रत्याशी सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला ने कहा, 5 साल में कप्तानगंज क्षेत्र का विकास किया। कप्तानगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया। क्षेत्र में तमाम शहीदों के नाम पर गेट बनवाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के भी निर्माण कराई गई और कुछ सड़कें भी अभी वर्तमान में निर्माण चालू है। क्षेत्र की जनता दोबारा चुनने के लिए तैयार है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हर वर्ग के लोग मुझे सराह रहे हैं। हम अहम मुद्दा बनाकर यह है कि सपा के यादव बिरादरी के लोग 50% भाजपा के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज लूट खसोट से दूर आने वाले 3 मार्च को जनता अपने मतदान से विपक्षियों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और हमारे बुलडोजर बाबा की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए विपक्षी घबराई हुई है। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। जैसे वर्तमान विरोध होता है, विधायक 5 साल नहीं दिखाई देते हैं, तो इस समय कैसे आप, आपको खाली विरोध दिख रहा है, क्षेत्र का काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वही बताइए सर। अच्छा, विकास का मुद्दा क्या है? विकास का, आप विकास का मुद्दा क्या है? हमारे वर्तमान समय में क्या चुन लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं विकास? 5 साल हमारे सरकार ने काम किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गांव गरीब किसान माताओं बहनों के लिए काम किया है, लोगों के चूल्हे की आग ठंडे नहीं होने दी। कोरोना काल में जिस प्रकार सरकार ने काम किया वो सर्वविदित है। आज 5 वर्ष में किसी कार्यालय में रह करके जनता की सेवा किया गया है और हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया। मैंने भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, चाहे सड़क बनाने का हो, चाहे 230 करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम हो, चाहे मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से गाँव को अपने कप्तानगंज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। इसलिए विकास ही मुख्य मुद्दा है और विकास माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, दो दो बार राशन दे करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज जनता की सेवा की गई है। इसलिए 5 साल का जो समय बीता है वो कप्तानगंज के लिए ऐतिहासिक बीता है। कप्तानगंज में माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, दो दो बार राशन दे करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज जनता की सेवा की गई है। इसलिए 5 साल का जो समय बीता है वो कप्तानगंज के लिए ऐतिहासिक बीता है। कप्तानगंज में